डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत ठाकुर टोला की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोगी कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। डोंगरगढ़ महेंद्र शर्मा बंटी। 5 जुलाई गुरुवार को जोगी कांग्रेस युवा विंग के जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विकासखंड डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ठाकुर टोला की विभिन्न समस्याओं को लेकर ठाकुर टोला के ग्रामीण के साथ जनपद कार्यालय के पास से नारेबाजी करते हुए रैली लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर गेट के सामने जमीन में बैठकर नारेबाजी की। कुछ समय बाद डोंगरगढ़ एसडीएम श्रीमती प्रेमलता चंदलेल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जोगी कांग्रेस ने एसडीएम को अवगत कराया कि पिछले कुछ वर्षों से ठाकुर टोला में विभिन्न समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के साथ जो ये ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय को लेकर दिया है? आज युवा जनता कांग्रेस डोंगरगढ़ के द्वारा 4 मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ठाकुर टोला उपकेंद्र सोसाइटी में खाद नहीं मिलने की समस्या बताई गई है, वहाँ नेटवर्क की समस्या बताई गई है, रोड पर एक बिजली का पोल की समस्या बताई गई है, एवं सेंट्रल बैंक के द्वारा बीमा की राशि में जो है वह ऋण की राशि की कटौती के संबंध में शिकायत की गई है। इस संबंध में तत्काल संबंधितों से जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डोंगर ब्लॉक के अंदर में ठाकुर टोला ग्राम, वहाँ का उपकेंद्र होने के बावजूद भी वहाँ पे किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहे हैं। वहाँ का खाद बीज जब किसान ले जाते हैं तो किसानों को ये बोला जाता है कि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम है, आप बने जो चाहिए। तो भाई जब वहाँ पे उपकेंद्र बनाया गया है तो वहाँ पे देना चाहिए किसानों को, और साथ ही गाँव के मेन रोड के बीचों बीच में एक पोल लगा बिजली पोल करीबन 2 साल से, उसको भी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उसको भी अभी तक के उस जगह से नहीं हटाया गया है। और साथ ही बीमा की राशि आज सेंट्रल बैंक में आ गई है, लेकिन वहाँ का मैनेजर बोलता है इनको कि हमें उस वहाँ का मैनेजर बोलता है कि हमें आपके आपको बीमा की राशि नहीं देना है, आपके कर्जे में काटा जाएगा। अगर तुम कर्जे में काटोगे बीमा राशि, तो किसान आगे किसानी कैसे करेगा, तो कहाँ से पैसा लेके आएगा, धान बोई कैसे करेगा, कैसे फसल उगाएगा, कैसे धान बेचेगा अपना। ये सब समस्या को लेकर युवा जनता कांग्रेस के